वेलकम टू क्विक सॉल्यूशन। मैं आशुतोष पांडे आज टाइम एंड वर्क की वीडियो पार्ट 10 बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो कि आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। अगर इससे पहले आप लोग पार्ट 8 और पार्ट 9 की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, क्योंकि इसी तरह से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने बताया है। उसको देखने के बाद अगर इस वीडियो पार्ट को देखेंगे तो ये वीडियो पार्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी मेरी वीडियो छूटे ना। मैं इसी तरह के मैथ ट्रिकी वाले, जो कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम समय में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो सारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उसको मैं बताने वाला हूं। तो आइए आज इस तरह के क्वेश्चन जो यहां पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं बात करता हूं कि इसको कम समय में कैसे बनाया जाता है और शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं जो ए बी सी हैं। ये तीनों की कार्य क्षमता दी हुई है। ए जिस काम को एम दिनों में करता है, बी उसी काम को एन दिनों में कर रहा है और सी उसी काम को पी दिनों में कर रहा है। ये तीनों काम तो स्टार्ट शुरू करते हैं साथ में ही, लेकिन इनमें से क्या होता है, ए जो है या बी है या सी है, दो इसमें से छोड़कर जाएंगे तो एक क्या करेगा, काम शुरू होने के कुछ दिन तक काम करेगा, उसके बाद काम छोड़कर चला जाएगा, और दूसरा क्या करेगा, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़कर जाएगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट केस में। इसमें तीन केस होता है तो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट केस ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ए जो है, ए जो है केवन दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है। कब? काम शुरू होने के मतलब काम शुरू हो जा रहा है, उसके बाद केवन दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़कर चला जा रहा है। और यहाँ पे बी है, ये बी क्या कर रहा है, के टू दिन पहले ये काम छोड़कर जा रहा है। ये बाद में, यानी काम शुरू जब हो रहा है उसके बाद जा रहा है, और बी जो है ये क्या कर रहा है, काम समाप्त होने के यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूं, यहाँ पे काम समाप्त होने के टू दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है। ए काम शुरू होने के केवन दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है और बी काम समाप्त होने के टू दिन बाद पहले जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो बचा हुआ काम समय कितना लेगा कंप्लीट होने में, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। बचा हुआ काम करने में लगा समय बराबर ये क्या होगा, जो पहले छोड़कर जा रहा है, यानी काम शुरू हो गया, कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़कर जा रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पे हम लोगों को पहले, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, जो कि कार्य क्षमता जो है, अगर पीछे के वीडियो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे तो पीछे के वीडियो पार्ट आप लोग देख ले, ताकि ये सब अच्छे से क्लियर हो जाए। ए की कार्य क्षमता एम दिन की है, बी की कार्य क्षमता जो है एन दिन की है, और सी की कार्य क्षमता जो है पी दिन की है। मैंने लिख दिया, ये सब आगे आने वाले हैं तो ये देखते रहिए आप लोग ध्यान से। तो ये जो शुरू में छोड़कर जा रहा है, ये उस दिन काम करने के बाद छोड़कर कौन जा रहा है, ए छोड़कर जा रहा है। तो ए की कार्य क्षमता से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है अभी। तो जो लास्ट तक काम कर रहा है या लगभग लास्ट तक काम कर रहा है, उससे हमको यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। जैसे देखिए, बी लगभग ये लास्ट तक काम करेगा, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जाएगा, यानी ये क्या हो गया कि बी का कार्य क्षमता जो है एन है, तो एन लिख दिए। और सी तो पूरा काम कर रहा है, सी का एन की चर्चा नहीं है क्योंकि वो छोड़कर जा नहीं रहा है, तो पूरा काम करेगा, यानी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इन दोनों को एड कर देंगे, एन प्लस पी, और उसके बाद क्या करेंगे, वन माइनस जो शुरू में काम को छोड़ के जा रहा है, उसका कितना दिन काम किया है, केवन दिन तक काम किया है शुरू में, उसकी टोटल कार्य क्षमता जो है एम है, जा रहा है शुरू में ए, तो ए की जो काम किया है, केवन दिन काम किया है शुरू में, और इसकी टोटल कार्य क्षमता जो है एम दिनों की है, इसको माइनस करेंगे, और जो लास्ट में जा रहा है, अंतिम में छोड़कर जा रहा है, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, यानी बी छोड़कर जा रहा है, कितना दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, और इसकी जो कार्य क्षमता है जो छोड़कर जा रहा है बी, यानी बी की कार्य क्षमता एन दिनों की है, तो एन यहाँ पे लिख देंगे, यानी जो बचा हुआ काम होगा वो इतना दिन में कंप्लीट होगा। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने से ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर लेता है, बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 40 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में समाप्त करता है।
तो यहाँ पे अगर दिया रहता है कि ए जो है कितना दिन पहले काम छोड़कर गया है, सॉरी कितना दिन काम करने के बाद ये जा रहा है वो, और बी कितना दिन काम समाप्त होने के पहले जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन देख के लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए चार दिन बाद जा रहा है और बी जो है पांच दिन पहले जा रहा है। फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूं, देखिए ए काम शुरू होने के कुछ दिन तक काम किया उसके बाद चला गया, यानी काम शुरू हुआ, चार दिन तक काम किया उसके बाद चला गया। बी क्या है कि काम जब समाप्त होने वाला है उससे पांच दिन पहले ये चला जा रहा है। ए की कार्य क्षमता 20 दिन की है, यानी ये उस काम को जिस काम को कर रहे हैं ये तीनों मिलके उस काम को ये अकेले 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले 40 दिन में और सी अकेले 60 दिन में। तो ये तो शुरू में ही निकल लिए, ये बी जो है ये क्या कर रहे हैं लास्ट तक काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट से पहले ए भी निकल रहे हैं। तो ये क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से बनाया जाएगा, बचा हुआ काम यहाँ पे देखिए कितने दिन में कंप्लीट होगा, बचा हुआ काम समाप्त होगा, बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है बी, यानी यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ, साइड में भी लिखा हूं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्वेश्चन में ताकि क्लियर हो सके। देखिए ए यानी एम, बी की कार्य क्षमता यानी एन और सी की कार्य क्षमता यानी पी। अब देखिए एन इंटू पी कह रहा है, यानी 40 × 60 बी की कार्य क्षमता गुणे सी की कार्य क्षमता, और नीचे दोनों को एड कर देना है 40 + 60। अब इसको क्या करना है कि 1 − K1 दिन, K1 दिन किसका है, ए का है, कितने दिन पहले जा रहा है ये, चार दिन बाद जा रहा है काम शुरू होने के, तो K1 दिन यानी 4, और टोटल इसकी कार्य क्षमता कितने दिन की है, 20 दिन की है, तो यहाँ पे 20 क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे, इसमें प्लस कितना करेंगे K2 दिन, यानी बी कितना दिन पहले काम समाप्त होने के जा रहा है, 5 दिन पहले, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, और इसकी कार्य क्षमता जो टोटल है यानी एन दिन की, एन यानी 40 दिन की, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 × 60 और नीचे हो जाएगा 100, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 40, ये होगा 40, ये होगा 20 × 40 − 8 और +5, तो ये हो जाएगा 40 × 60 / 100 गुणे, इसका करेंगे तो ये 37 आएगा, 37 / 40, ये देखिए 40 से 40 कटा, ये 60 × 20 = 100, यानी 37 × 3 = 111 हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा 5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार में कटेगा, 22 × 1/5, इतने दिन में काम को ये समाप्त कर लेगा, बचा हुआ काम इतने दिन में समाप्त किया जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, अब मैं बता रहा हूं कि अगर बी और सी छोड़कर जाएंगे और सी और ए छोड़कर जाएंगे तो मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, अब क्या करूंगा मैं कि ये बी और सी जो छोड़कर जाएंगे, सी और ए छोड़कर जाएंगे, उस पे मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये ट्रिक्स और ट्रिक्स में मैंने बता दिया, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला लिख दूंगा, एक फॉर्मूले पे मैंने एक एग्जांपल बता दिया, और जो मैं दो फॉर्मूले लिखूंगा उसका मैं क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो क्वेश्चन मैं दूंगा ये सब सारा फॉर्मूला यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते रहिए, मैं लिख देता हूँ फिर से। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए अगर K1 दिन बाद काम शुरू होने के जा रहा है छोड़कर, और बी जो है K2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बताऊंगा कि बी जो है K1 दिन बाद काम शुरू होने के, और ए सी जो है ये क्या है K2 दिन पहले, ये बाद में जाएगा और ये पहले जाएगा, यानी ये काम शुरू होने के बाद जा रहा है और ये पहले जा रहा है, तो इस बचा हुआ काम ये कितने दिन में करेगा, यानी कौन ए बचा वो बचा हुआ काम कितना दिन में करेगा, बचा हुआ काम समाप्त होने में लगा समय इक्वल टू, देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि ये क्या है जो शुरू में छोड़कर जा रहा है, ये शुरू में ही काम शुरू होने में ही, यानी शुरू में ये छोड़कर चला जा रहा है, ये लास्ट में जा रहा है अंतिम में, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, देख लीजिएगा अंतिम में, तो जो शुरू में जा रहा है उसे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब बस यहाँ पे है, जब हम माइनस करेंगे तब, तो शुरू में कौन कौन रहा है, यानी देखिए यहाँ पे सी है, तो सी की कार्य क्षमता कितने दिन की है, पी दिन की है, तो पी यहाँ पे लिखेंगे पी
इनटू अंत तक, शुरू से अंत तक काम कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो उसका कार्य क्षमता एम है और नीचे में दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद एक में से कौन पहले निकल के जा रहा है, बी निकल के जा रहा है, तो बी जो है कितना दिन तक काम किया, केवल दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़कर चला गया शुरू में, तो ये इसकी टोटल कार्य क्षमता बी की कितनी है, एन दिन की है, और उसमें प्लस करेंगे जो है के टू, यानी इसमें सी की जो कार्य क्षमता है वो नीचे लिखेंगे और कितने दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है ये ऊपर लिखेंगे, तो के टू दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है काम समाप्त होने से, और इसकी कार्य क्षमता जो है ये कितना है सी का, पी दिनों की है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, यानी इतना दिन में ये समाप्त कर लेगा। अब उसी तरह से है थर्ड, थर्ड जो है अगर मान लीजिए कि सी जाता है केवन दिन बाद, केवन दिन बाद अगर काम छोड़कर जा रहा है, काम शुरू होने केवन दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है, और ए जो है वो क्या जा रहा है, के टू दिन पहले, के टू दिन पहले पहले ये शुरू में जा रहा है और ये अंतिम में, एक शुरू में जा रहा है एक अंतिम में जा रहा है, सी शुरू में ही चल जा रहा है काम, जब शुरू हो रहा है तभी चल जा रहा है केवन दिन तक काम करके, और ए जो है एक काम समाप्त होने के टू दिन पहले जा रहा है, तो बचा हुआ काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, बचा हुआ काम समाप्त होने में लगा समय बराबर सेम उसी तरह से करेंगे, यानी सी पहले जा रहा है तो सी से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे m इंटू एन करेंगे और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस एन, और इसमें क्या करेंगे जो पहले जा रहा है k1 दिन तक काम करके, यानी सी पहले जा रहा है तो इसको ऊपर में लिखेंगे k1, कौन छोड़कर जा रहा है सी, तो सी की कार्य क्षमता पी दिन की है, ये माइनस हो जाएगा और इसमें प्लस क्या होगा k2, यानी ए की कार्य क्षमता जो नीचे होगा और ए कितना दिन पहले काम समाप्त होने के कितना दिन पहले, यानी k2 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो इसके नीचे हम लोग ए की कार्य क्षमता को लिख देंगे, यानी m हो जाएगा ये, तो इतना दिन में बचा हुआ काम समाप्त हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला पे मैंने क्वेश्चन बताया, दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका क्वेश्चन मैं अंतिम में दे दूंगा वीडियो के अंतिम में, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पार्ट 7 और पार्ट 8 पार्ट 9 आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। अगली तरह के क्वेश्चन मैं एक तरह का और क्वेश्चन बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको देखते रहिए आप। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि तीन व्यक्ति अगर किसी काम को एक साथ एम दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी तीनों अगर मिल के साथ में काम करते हैं शुरू से अंत तक तो एम दिनों में पूरा कर लेते हैं, और उनमें से दो यानी कोई भी दो अगर एक को लग रहा है एन दिन उसी काम को अकेले पूरा करने में और दूसरा को अकेले उस काम को अगर करने को बोल दिया जाए तो उसको पी दिन लग रहा है, तो पूछ रहा है कि तीसरा को अगर काम अकेले करना होगा तो उसको कितना दिन लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक मैं बताता हूं, अकेले तीसरा उस काम को करेगा कितना दिन लगेगा ये मैं बताने वाला हूं। देखिए पहले तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि ये पूरा काम है, पूरा काम एम दिनों में ये समाप्त कर ले रहे हैं, दोनों का दिया हुआ है, दोनों अगर अकेले कर रहे हैं तो एक एन दिन में कर रहा है एक पी दिन में कर रहा है, तो कुछ नहीं करना ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एम इंटू एन इंटू पी तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, और जिसका दो दिन का दिया हुआ है, जिस दोनों का दिया हुआ है कि दोनों एक इतना दिन में कर रहा है एक इतना दिन में कर रहा है, तो इन दोनों को क्या करना है फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी n इंटू पी कर देना है, n इंटू पी करके यहाँ पे np हो जाएगा, और उसके बाद इसमें से एक बार इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m को जो पूरा काम दिया है और पहला जितने दिन में काम को कर रहा है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी mn हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कि ये पूरा काम और दूसरा कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है, यानी m और p इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे mp, ये हो गया आपका ट्रिक, इस पे आप तीसरे का कितने दिन में काम को खत्म करेगा वो निकाल सकते हैं इतना। अब देखिए इस पे मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है कि तीनों मिलकर क्वेश्चन ये है कि तीनों अगर मिल के काम करें, यानी तीन व्यक्तियों का कार्य क्षमता दिया हुआ है, ए बी सी अगर साथ में काम करें तो किसी काम को ये 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, 15 दिन लगता है इनको तीनों को काम समाप्त करने में, और अकेले अगर ए काम करता है तो उसी काम को समाप्त होने में इसको 30 दिन लग जाता है,
लेकिन अगर बी अकेले उस काम को कर रहा है तो इसको 45 दिन लग जाता है। यहाँ पे तीनों अगर साथ में मिल के काम करते हैं तो 15 दिन लग रहा है, ए अकेले काम कर रहा है तो 30 दिन लग रहा है, और बी अकेले 45 दिन में खत्म कर रहा है। तो अकेले सी कितना दिन में करेगा? अकेले सी कितना दिन में करेगा? तो ये फॉर्मूला पे बस पुट करना है टोटल, यानी एम हो गया पहला का, एन दिया हुआ है और इसका पी दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 × 30 × 45। और नीचे क्या करना है कि नीचे n into p, यानी 30 × 45 माइनस mn है, m और n, यानी 15 × 30, और फिर माइनस करके क्या करना है, mp करना है, यानी इसको और इसको। तो 15 × 45 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 हो गया गुणे 30 × 45, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 135, 15 × 45, और ये होगा 675। इसको हम लोग करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 15 × 30 × 45, और नीचे हो जाएगा 1350 में से जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1125। तो 1125 हो जाएगा, तो ये 225 बचेगा नीचे, यानी 15 × 30 × 45 / 225। तो ये 15 का स्क्वायर है 225, तो 15 बार में कट गया, यानी 15 × 30 45 × 90, यानी सी को अगर इस काम को अगर करना हो तो 90 दिन में ये काम को समाप्त करेगा। आज की वीडियो पार्ट में बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज रुके ना। और जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ इसके बाद, जस्ट क्वेश्चन दूंगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का, कोशिश कीजिए। अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो और क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताएं। धन्यवाद।